कुछ न्यू करने वाली हूँ अपने इस वीडियो में। मैं अजीब टाइप की बन के बैठी हुई हूँ, आप लोग को लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं अटेम्प्ट करने वाली हूँ कुछ नया। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा से कह रहे थे कुछ नया करो कुछ नया करो, तो मैंने सोचा चलो ये नया करके देखते हैं आप लोग को पसंद आता है कि नहीं। तो मैं आज हूँ करने वाली हूँ, मतलब आज मैं बहुत पीछे जाने वाली हूँ, पीछे मतलब कि बहुत सत्तर, सन 70 में जाने वाली हूँ। तो वहाँ की जो हीरोइनें होती थी उनका मेकअप तो आप लोग ने देखा ही होगा, कुछ अलग कुछ डिफरेंट ही होता था। उस टाइप का मेकअप अब जल्दी कोई नहीं करता है, करते हैं जिनको पसंद आता है तो करते हैं। तो वही मेकअप लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ आज, देखते हैं मेरे ऊपर कैसा लगता है और मैं कितना अटेम्प्ट अच्छा कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, तो वही आज देखा जाएगा। और आज जिनका मैं मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ वो हैं हेमा मालिनी जी। जी हाँ, जिनको कि बहुत हम लोग प्यार देते हैं, बहुत मानते हैं और आप सब जानते होंगे, जाने माने हमारी एक्ट्रेस हैं हेमा मालिनी जी, और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। उनको मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। और अगर वो मेरी वीडियो देखे तो प्लीज़, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा कुछ और से ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ मैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस मेकअप लुक को हेमा मालिनी जी के। और मेरे पास घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसी से क्रिएट करेंगे। ये मैंने फ़ोटो दिखा दी है, ये है फ़ोटो, इस फ़ोटो के हिसाब से मैं रेडी होने की कोशिश करूँगी। बहुत डिफ़िकल्ट है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसका हेयर स्टाइल है। तो चलिए करते हैं क्रिएट। सबसे पहले मैं अपने फेस को कर लेती हूँ मॉइस्चराइज, क्योंकि सर्दी का समय है, फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है मैंने। इसके बाद मैंने फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम ली हुई है, बीबी क्रीम लगा लेते हैं थोड़ा सा। और आप लोग को पता है मैं फाउंडेशन बहुत कम यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है फाउंडेशन। डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैंने लिया है इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्यूटी ब्लेंडर, इससे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, बीबी क्रीम मैंने अप्लाई कर ली अपने फेस पे, डिफरेंस आपको दिख सकता है। अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे फेस पाउडर को। फेस पाउडर अप्लाई करने के बाद हम अप्लाई करेंगे लाइनर। और हेमा मालिनी के आप लोगों ने अगर देखी होगी, आई मेकअप देखा होगा, तो ज़्यादातर की उस ज़माने की जो हीरोइन रहती थी वो विंग्स लाइनर लगाती थी, लॉन्ग विंग लाइनर लगाती थी ज़्यादातर, डबल लॉन्ग विंग लाइनर। तो वही जो है हम लगाने की कोशिश करते हैं, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं।
इसके बाद इसी को हम जो सेकंड लाइन हमने ड्रॉ की है नीचे उसी से जोड़ जॉइंट करके यहाँ नीचे आँखों के काजल के तरह हल्की सी लगा लेंगे। तो मैंने लाइनर जो है अप्लाई कर लिया है जैसे मुझे समझ में आया है। इसके बाद थोड़ी सी ये लग रहा है मुझे विंग्स कम है तो इसकी मैं विंग्स कर दूँ। इसके बाद मेरा मस्कारा जो है फ्रेंड्स वो ख़त्म हो रखा है तो मैं क्या करूँगी इसी लाइनर से ऐसे ऐसे लगा लूँगी और इसके बाद मस्कारे वाले ब्रश से इसको इक्वल कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लिपस्टिक के लिए हम थोड़ा सा पहले लिप पे बाम लगा लेंगे। क्योंकि सर्दियों का टाइम है इसलिए बाम लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कुछ पिंकी शाइनी सा इन्होंने लिपस्टिक लगाया है तो वैसा ही कुछ लगाते हैं। पिंक कलर की मैंने लिपस्टिक ले ली है। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक भी जो है अप्लाई कर ली है। इसके बाद इन्होंने कुछ बड़ी सी जो है बिंदी लगाई हुई है तो मेरे पास है उतनी उसी टाइप की कुछ बड़ी सी बिंदी, इतनी बड़ी सी बिंदी है तो इसको लगा लेते हैं। उन्होंने फोरहेड के बीच में लगाया हुआ है तो मैं भी लगा लेती हूँ। इसके बाद आती है बालों की पारी तो कुछ यहाँ पर उन्होंने सेब दिया हुआ है बालों को तो वो सेब देने की कोशिश मैं करती हूँ थोड़ा थोड़ा। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसा उन्होंने यहाँ पे पफ टाइप का दिया हुआ है तो उसके लिए मैं जो हूँ ये रबर बैंड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास पफ मेकर नहीं है तो यही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स को कुछ हद तक मेरा पफ जो है वो बन गया है। अब इसके बाद यहाँ पे उन्होंने फॉर मतलब लॉन्ग चोटी जो है बनाई है ऐसा मुझे लग रहा है तो मैं भी चोटी जो है बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इस साइड बैठ गई ताकि आप लोग को दिख सके। तो कुछ इस तरह से जो है मेरा जो है ये बन चुका है जैसे कि उनका बना हुआ है। और इसके बाद जो है इस तरह से उन्होंने यहाँ पे जो है लगाया हुआ है तो मैं भी इसको लगा लेती हूँ। आपको पहले भी कहीं देखा मेरे नसीब में तू है कि मैडम हाउ डू यू डू ये हम क्या जाने वो ही जाने। हाँ तो फ्रेंड्स ये हेमा मालिनी का स्पेशल मेकअप लुक आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत लगी इस लुक को क्रिएट करने में। 2 घंटा लग गया मेकअप करने में और आधा घंटा लग गया था सारी व्यवस्थाएं करने के लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हो, किसी और एक्ट्रेस का लुक चाहते हो कि मैं क्रिएट करूँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी क्रिएट करने की और ये लुक कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू गाइज़।